एक बार एक जंगल में सूखा पड़ने के कारण जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। सभी पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर जाने लगे। एक कौवा जो कि उसी जंगल में रहता था, उसको बहुत प्यास लगी। काफी तलाश करने के बावजूद कौवे को कहीं पर भी पानी नहीं मिला। फिर वह उड़ते उड़ते पानी की तलाश में एक गांव में आ जाता है। वहां पर उसको उस गांव में एक घड़ा दिखाई देता है, जिसके अंदर उसको पानी दिखाई देता है। वह उस घड़े पर आकर बैठ जाता है। पानी तो मुझे मिल गया है इस घड़े में, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं ये पानी नहीं पी पा रहा हूं। कैसे करके, मुझे प्यास तो बहुत तेज की लगी है। ये पानी मुझको ऊपर की तरफ लाना होगा और इस पानी को पीकर ही मेरी प्यास बुझेगी। लेकिन मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करने की बाद भी मेरा गर्दन वहां तक नहीं पहुंच रही है। अब मैं काफी हिम्मत हार चुका हूं। तभी वहां पर एक चिड़िया उड़कर आई। अरे कौए भैया, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि इस घड़े में कुछ पानी हो तो मुझको भी पीने दीजिए। मैं भी बहुत प्यासी हूँ और प्यास के मारे मैं तो बेहाल हो चुकी हूँ। चिड़िया रानी, पानी तो है इस घड़े में, लेकिन बहुत नीचे है और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब तुम ही कोई आइडिया दीजिए, इस पानी को कैसे ऊपर लाया जाए। हाँ, बिल्कुल। यदि हम इस घड़े में वो जो कंकड़ पड़े हैं उनको हम डालेंगे, तो जैसे जैसे कंकड़ इस घड़े में नीचे जाएंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे पानी ऊपर आ जाएगा और हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेंगे। चिड़िया और कौवा दोनों मिलकर उस घड़े में लगातार कंकड़ डालते हैं। धीरे धीरे वो देखते हैं पानी ऊपर आने लगता है और दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। यदि मुश्किल घड़ी में भी हम सूझबूझ से काम करें तो हमको सफलता ही हाथ लगती है।